लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने NSDC तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। Japan. Thank you. मैं बताऊंगा बस। ये गेट खुला है यहाँ से बस।